नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, तेजस्वी यादव के एक विधायक आरजेडी से विधायक हैं और उनको एक थाने के इंस्पेक्टर ने इतना परेशान कर दिया है कि वो काफी तंग आ गए हैं और तंग आने के बाद उन्हें एसपी के पास पहुंचना पड़ा है। बात कर रहे हैं आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन की, जो महुआ से आरजेडी एमएलए हैं और उनको एक थाने के थानाध्यक्ष ने इतना परेशान कर दिया है कि अब वो कार्रवाई के मोड में आ गए हैं। उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और कह रहे हैं कि हम आंदोलन करने चले जाएंगे यदि कार्रवाई नहीं होती है। तो मामला क्या है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, दरअसल मामला क्या है वो बताएं अगर तो, वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर समाहरणालय पहुंचे राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने वैशाली एसपी रविरंजन से मुलाकात की और सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार के खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया है। इसके अलावा उन पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग भी की है और कहा है कि 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह समाहरणालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए मामला क्या है, महुआ से राजद के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं मुकेश रोशन। उन्होंने थानाध्यक्ष अस्मित कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, गंभीर आरोप भी लगाया है। दरअसल महुआ के राजद विधायक ने कहा है कि हाजीपुर सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार, उनका रवैया ठीक नहीं है, उनके बारे में मैंने एसपी साहब को अवगत कराया है। विधायक ने आगे थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका भू माफिया, बालू माफिया के साथ साठगांठ और वो अवैध वसूली कर रहे हैं, तो बड़ा मामला, उन्होंने अवैध वसूली कर खूब संपत्ति भी अर्जित किया है। मुख्यमंत्री से भी मैंने पत्राचार के माध्यम से मांग किया है। विधायक ने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करने हुए निगरानी से जांच कराने की बात कही है और कहा है कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए। एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं धरना पर बैठूंगा थाना प्रभारी के खिलाफ। देखिए, तो राजद के जो विधायक हैं मुकेश रोशन, वो परेशान हो गए हैं और इस बात से परेशान हो गए हैं कि थानाध्यक्ष का रवैया ठीक नहीं है। मामला क्या है, दरअसल जनता जब हम कहते हैं मुकेश रोशन की, जनता जब हमसे मिलती है तो बताती है कि अवैध वसूली करते हैं, महीनों तक एफआईआर को दबा कर रखते हैं, समस्या को लेकर लोग दौड़ते रहते हैं, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते, भ्रष्ट थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्तारूढ़ दल के विधायकों की भी इन दिनों पुलिस नहीं सुन रही है। देखिए, विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाता रह रहा है कि बिहार में पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, बिहार की पुलिस और पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठने लगा है मुकेश रोशन के इस आरोप के बाद, मुकेश रोशन ने जब से एसपी से मुलाकात की है और समाहरणालय परिसर में धरना की बात कही है, ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब सत्ता दल के विधायक भी पुलिस के बूते के बाहर है, या पुलिस सत्तारूढ़ दल के विधायक के बूते के बाहर है, या पुलिस उनकी नहीं सुनती है। क्योंकि मुकेश रोशन ने जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक ये जो थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार हैं, ये लोगों की शिकायतें नहीं सुनते हैं और आरोप लगाते हुए मुकेश रोशन ने यह भी कहा है कि भू माफियाओं से इनका साठगांठ है और अवैध वसूली करते हैं, बालू माफियाओं से साठगांठ है और इसी तरह से इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है, इसकी जांच कराने की मांग की है और कहा है कि इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए। तो लोगों की समस्याओं को लेकर के मुकेश रोशन जब थाना अध्यक्ष के पास शायद गए होंगे और जब समस्याएं नहीं सुनी होंगी तब जाकर के उन्होंने ऐसा लिया है और एसपी से मुलाकात की है। एसपी ने कार्रवाई की बात जरूर कही है, आश्वासन जरूर दिया है कि इस मामले की जांच करेंगे, तह तक जाएंगे। लेकिन अब यह मामला बड़ा होता दिख रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव के खासम खास विधायक माने जाते हैं मुकेश रोशन और ऐसे में उन्होंने एक थानाध्यक्ष के खिलाफ, एक इंस्पेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है, कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम नहीं हिलेंगे, इस मामले पर जो है मोर्चा खोल के रखेंगे। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।